हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इस 2024 MG Aster 100 ईयर एडिशन के बारे में, जो कि रियली दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस 100 ईयर एडिशन में आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर यहाँ पे दे रखा है, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक इस कार में आ रहा है। सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ही मिलने वाले हैं, बाकी डायमेंशंस और लुक वैसे ही रहेंगे। और अगर डिटेल में बात करें तो ये जो मॉडल है ये इसका शार्प मॉडल है, जो कि टॉप मॉडल नहीं है लेकिन दिखने में टॉप मॉडल से कम नहीं लग रहा है, जिसकी कॉस्टिंग आपको ऑन द रोड लगभग 18,70,000 रुपये तक पड़ जाती है। बाकी फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से काफ़ी एग्रेसिव लुक यहाँ पे आ रहा है। और अगर हेडलाइट्स की बात करें तो इनको देख के पता नहीं क्यों मुझे मर्सिडीज़ की जो ए क्लास सीरीज़ है उसकी आ रही है, क्योंकि इनका डीएल का डिज़ाइन कुछ वैसा ही है, थोड़ा उनसे इंस्पायर टाइप का लगता है। बाकी ऑटोमेटिक हेडलाइट के फंक्शन इसमें मिलते हैं आपको। नीचे फॉग लैंप है, पूरी ब्लैक कलर की यहाँ पर आप देखें तो ग्रिल मिलती है। MG के लोगों के नीचे आपको कैमरा भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरे का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी बम्पर का डिज़ाइन देखें कुछ इस तरह से रहने वाला है। हाँ, यहाँ पे आपको कोई फ्रेमलेस वाइपर्स नहीं मिलते, जो कि मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है। रेगुलर वाइपर्स ही यहाँ पे दे रखे हैं, तो वो वाला फीचर भी देते क्योंकि गाड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो बढ़िया रहता। बाकी इस एंगल से एक बार इसका लुक चेकआउट करो, कितना बढ़िया स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है कार। और अब साइड प्रोफाइल की तरफ को चलते हैं और इसका लुक एक बार चेकआउट करो, कुछ इस तरह से आता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस ही यहाँ पे रखे हुए हैं, कोई डायमेंशंस में चेंज नहीं है, मतलब व्हील बेस, हाइट, ग्राउंड क्लीयरेंस सब कुछ वैसा ही है पहले की तरह, उनमें कोई चेंजेस आपको नहीं रहने वाले। और अलॉय व्हील की बात करें तो उनका साइज ही वही है, और इनमें ब्रेक्स की बात करें तो वो भी वही रहेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और कॉन्टिनेंटल के यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 225/55R17 की प्रोफाइलिंग यहाँ पे रखी हुई है। रेड कलर के यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स हैं, जिस वजह से थोड़ा सा और एक स्पोर्टी लुक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और ग्राउंड क्लीयरेंस देखें वो भी अच्छा है, मतलब गुबड़ खाबड़ सड़कों पे कार इजीली चली आएगी, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ऊपर देखें तो यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल ORVM का फंक्शन भी मिलता है, ब्लैक कलर के ORVM है। लेकिन उसके नीचे देखेंगे तो कैमरा भी मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था 360 डिग्री कैमरे का भी ऑप्शन आपको मिलता है। जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर मिलते हैं, और ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों तरफ को आपको रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन मिलेगा। और देखें तो विंडो की आउटलाइन में थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट भी ऐड कर रखा है। ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको रूफ पार्ट्स मिल जाते हैं, जिस वजह से जो लुक है गाड़ी का थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। बाकी वो ऊपर दिखाता हूँ आपको इस तरह से, होंडा क्रेटा की तरह यहाँ पे भी आपको एक बड़ी सी सनरूफ मिलती है, ताकि अंदर बैठे हुए लोग बाहर की व्यू का अच्छे से मज़ा ले सकें। और पीछे देखें तो ये यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। और अब पीछे की तरफ को चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ड्राइवर साइड की तरफ को इसका जो फ्यूल कैप है वो दे रखा है, 48 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ड्राइवर साइड की तरफ को इसका ओपनर दे रखा है। और पीछे का लुक देखो, कुछ इस तरह से जो लुक है वो आ रहा है, मतलब ये कलर में ये कार रियली कितनी अच्छी लग रही है, मतलब आगे से देख लो या फिर पीछे की तरफ से देख लो, स्पोर्टीनेस फूट फूट के निकल रही है इस कार से, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है इस कार। अब भले ही मुझे ऐसा लग रहा है तो शोरूम के अंदर खड़ी है गाड़ी, लाइट पड़ रही है इस वजह से लग रहा है ऐसा, लेकिन जो भी है बहुत अच्छी लग रही है। बाकी बेसिक फीचर्स की बात करें तो वो तो आपको यहाँ पे सारे के सारे मिल ही जाएंगे। और जो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे जो टेल लाइट्स हैं उनका डिज़ाइन है सेम वैसा ही जैसे फ्रंट की हेडलाइट का, मतलब सिर्फ टेल लाइट्स हैं, और जैसे DRL का जो डिज़ाइन दे रखा है पीछे का, टेल लाइट का डिज़ाइन भी वैसा ही दे रखा, तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। नीचे देखेंगे ZS जो ये मॉडल है वो यहाँ पे दे रखा है, और ये थोड़ा क्रोम में नहीं है, गोल्डन क्रोम टाइप में दे रखे हैं, Aster लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। बम्पर में पीछे चार पार्किंग सेंसर्स दे रखे हैं, और ये फेक एग्जॉस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। पता नहीं कंपनी आजकल ऐसा क्यों कर रही है, फेक एग्जॉस्ट के डिज़ाइन दे रही है, जबकि जो एक्चुअल एग्जॉस्ट है वो नीचे होता है बॉडी के। बाकी देखें कैमरा जो है बम्पर के यहाँ पे नीचे इस तरह से दे रखा है, और कैमरा क्वालिटी भी ठीक है, मतलब उतनी बेहतरीन नहीं है, अंदर जाके एक बार आपको दिखा देंगे। बाकी ऊपर डिफॉगर, रे वाइपर, ऐसे जितनी बेसिक चीज़ें सब आपको मिल जाएंगे, हाई माउंट स्टॉप लैंप, बॉडी फिटेड स्पॉइलर, ऐसे सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी बूट खोलने का तरीका वैसा ही जैसे आपने वॉक्सवैगन की पोलो में देख रखा होगा, उसके लोगों को ऐसे लिफ्ट करते थे तो उसकी बूट अनलॉक हो जाती, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको 488 लीटर की मैसिव बूट स्पेस मिलती है, तो काफ़ी सारा स्टफ़ इसके अंदर आप कैरी कर सकते हो। 60-40 स्लिट सीट के ऑप्शन के साथ आती है, तो स्पेसिंग के मामले में यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत बड़े लगेज बैग यहाँ पे इजीली आप कैरी कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन ही मिलता है, तो रात के समय अपना स्टफ़ आप इजीली देख सकते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, आप फर्स्ट एड टूल किट ऐसे ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। पार्शल ट्रे का भी ऑप्शन है, वो भी काफ़ी थिक है, तो उसके ऊपर भी स्टफ आप कुछ कैरी कर सकते हैं। तो इस कार के अंदर आपको कैबिन स्पेस में और बूट स्पेस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अच्छा खासा सामान इसके अंदर आप कैरी कर सकते हो। अब बूट को करते हैं बंद,
तो इस कार का जो ओवरऑल एक्सटीरियर था वो हमने देख दिया, मतलब गाड़ी बाहर दिखने में काफ़ी अच्छी है, ग्रीन कलर बहुत सूट हो रहा है सन ईयर एडिशन में। आप इंटीरियर की तरफ को चलते हैं, लेकिन उससे पहले कार की जो चाबी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी काफ़ी स्टाइलिश है कार की तरह। ज़्यादा फीचर्स नहीं है, लॉक अनलॉक बूट अनलॉक करने वाला फंक्शन नहीं है, लेकिन दिखने में काफ़ी कूल लगती है और हैवी भी है। अब पहले फर्स्ट रो में चलते हैं, तो जो कैबिन है वो कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब लोग इस कार के बारे में जो भी कहें, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है, उस तरह से फीचर नहीं आते, अंडर पावर है, डीजल में नहीं आती, लेकिन गाड़ी का जो इंटीरियर है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब फिट फिनिशिंग हो गई, जो सॉफ्ट टच दे रखे हैं, डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा है इस कार का। बाकी जो इस कार की सीट्स हैं पूरी लेदराइट है, मतलब लेदर के साथ आती हैं, जिसमें रेड कलर की स्टिचिंग हो रही है, काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स हैं। और अगर ऊपर की तरफ को देखेंगे तो इनमें भी प्रॉपर ग्रीन कलर से काफ़ी बड़ा बड़ा 100 ईयर एडिशन लिखा हुआ है, जो कि कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा अननोइंग लग सकता है। जो सीट्स हैं वो प्रॉपर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, यहाँ पे स्विचेस दे रखे हैं, इनको इलेक्ट्रिकली आप आगे पीछे सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। और ये पैनोरामिक सनरूफ, जैसे हमने बाहर से कहा था, अंदर से आप बाहर के मजे ले सकते हो, काफ़ी बड़ी है ये सनरूफ। और पूरा इंटीरियर ब्लैक है, रूफ ब्लैक है, इंटीरियर भी पूरा ब्लैक हो रखा, तो काफ़ी अच्छा लगता है इंटीरियर। और डोर में देखोगे तो डोर का डिज़ाइन भी सिंपल सा रखा हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा है। इसमें भी सॉफ्ट टच का यूज़ हो रखा है, उसमें भी देख सकते हैं रेड कलर से स्टिचिंग हो रखी है, ताकि थोड़ा एक कम्फर्ट और प्रीमियमनेस यहाँ पर शो हो जाए। बाकी बेसिक चीज़ें वही हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स में आपको मिलते हैं, वाटर बॉटल मिलेगी, स्पीकर्स मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड आपको वन टच अप वन टच डाउन का फंक्शन भी मिल जाएगा इसके अंदर। और अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, कार को जरा एक बार ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद जो स्पीडोमीटर है और जो टच स्क्रीन है उसमें कुछ इस तरह से बना आता है एनिमेशंस, दोनों में एम जी इस तरह से लिखा हुआ आएगा। एनिमेशंस काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। स्पीडोमीटर में देखेंगे तो फुली डिजिटल है, कोई इसमें आपको एनालॉग वाला ऑप्शन नहीं मिलता। और जो टच स्क्रीन है वो आपको 10.1 इंचेस की मिलती है, काफ़ी बड़ी है, अभी भी एमजी बना आ रखा है, इसमें थोड़ा खुलने में टाइम लगता है इसको। लेकिन इनमें आपको फीचर्स काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, इनको आप ऑपरेट काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको GPS नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, वेंटिलेशन का ऑप्शन भी आपको इसे मिल जाएगा। जी हाँ, इसी बताना भूलिए, सीट्स में आपको वेंटिलेशन का भी ऑप्शन मिलता है, तो इनको आप यहीं से स्क्रीन की वजह से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, नीचे बटन भी आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड एप्पल दोनों को सपोर्ट करती है, वायरलेस है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो फंक्शंस यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं, काफ़ी स्मूथ है टच, ये काफी टच का रिस्पांस इनमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको। 360 की कैमरा है, कैमरा क्वालिटी मतलब कार के हिसाब से मतलब और अच्छी हो सकती थी, मतलब बढ़िया है लेकिन उस लेवल की नहीं है। यहाँ पे आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का इसमें आपको ऑडियो सेटअप मिलता है। बाकी नीचे देखें तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलेगा और 2 USB के पोर्ट्स भी मिल सकते हैं, तो किसी भी तरह से अपना फ़ोन आप यहाँ पे इजीली चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का बटन दे रखा है, ऑटो होल्ड का बटन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और साइड में देखेंगे तो इस तरफ भी सॉफ्ट टच का यूज़ हो रखा है, रेड कलर से स्टिचिंग हो रखी है, 2 काफ़ी बड़े कप होल्डर्स यहाँ पे मिल रखे हैं आपको। और ये है इसका आर्मरेस्ट, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है, इसके अंदर भी आपको थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाएगी। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड एक मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, और बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट से कंट्रोल दे रखे हैं, लाइट्स LED में, ये काफ़ी अच्छी बात है। और सनरूफ के बटन भी यहीं पर मिलेंगे आपको, ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे भी मिरर मिल जाएगा, दोनों तरफ आपको ये मिरर के ऑप्शन दे रखे हैं। और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRBM का भी ऑप्शन मिलता है, इसे बटन दे रखा है, उसकी वजह से इसकी ऑटो डिमिंग आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं बैक सीट पे और इसके डोर को खोलते हैं। तो दरवाज़ा कुछ इस तरह से है, पीछे भी डोर में आपको सॉफ्ट टच का यूज़ मिल जाता है, रेड कलर से स्टिचिंग हो रखी है और पावर विंडो के कंट्रोल्स हो गए। प्लास्टिक की क्वालिटी वैसे मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब गाड़ी में जो फिट फिनिशिंग है वो काफ़ी बढ़िया हो रखी है। नीचे वाटर बॉटल होल्डर दे रखा है, स्पीकर यहाँ पे आपको मिलेगा। और जो सीट्स हैं पीछे की वो कुछ इस तरह से दिखती है, मतलब पीछे सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, तो 3 लोग पीछे बैठते हैं तो उनके हेड को काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और सीट्स का एंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो पीछे जो बैठेगा उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, 2 लोग तो कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, 3रा जो बीच में बैठेगा उसे थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। बाकी बीच में आपको आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन मिलता है, और इसके आर्मरेस्ट देने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब और गाड़ियों के मुकाबले जो कप होल्डर देने का तरीका थोड़ा प्रीमियम तरीका, मतलब अच्छे से दे रखा है, धूल धक्कड़ भी इसके अंदर नहीं जाएगी। 2 AC वेंट्स मिलते हैं और 2 सी टाइप के पोर्ट्स भी मिलेंगे, दोनों सीट के पीछे आपको पॉकेट्स भी मिल जाती है। थोड़ा अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, आप थोड़ा क्लियरली नहीं देख पा रहे होंगे। बाकी ऊपर आपको ग्रैब हैंडल्स भी दे रखे हैं।
लेकिन गाड़ी के अंदर आप जब बैठेंगे तो कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी लग्जूरियस और प्रीमियम फील करेंगे इसके अंदर आप बैठ के। गाड़ी के अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे गाड़ी को 4 स्टार रेटिंग मिल रखी है, मतलब गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे ढेर सारे मिल जाते हैं। इस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसे जो फीचर्स हैं वो सारे इस कार के अंदर मिल जाते हैं, जो कि होने भी चाहिए क्योंकि अगर इतनी महंगी हम गाड़ी दे रहे हैं तो उसकी बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे खासे होने ही चाहिए, जो कि इस कार में आपको मिल रहे हैं। और अब लास्ट इसके इंजन के बारे में बात करते हैं, तो जिसमें दिखाया था ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको CVT गियरबॉक्स मिलेगा जो कि काफ़ी स्मूथ होता है, मतलब शहर के हिसाब से तो बहुत ही स्मूथ गियरबॉक्स है। और इसमें आपको 1500cc का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जी हाँ 4 सिलेंडर है, नॉन टर्बो वेरिएंट है, अला टर्बो वेरिएंट इसका एक टॉप मॉडल है, उसमें थोड़ी पावर भी आपको ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे आपको 1500cc का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 108 bhp एंड 148 Nm ऑफ टॉर्क। अब लोग कहते हैं थोड़ी अंडर पावर कार है, इसमें अगर हमको 115-120 bhp मिल जाती जैसे नेक्सॉन में किसी जैसे छोटी गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है उनमें मिलती है तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि पेट्रोल कार है, पेट्रोल में थोड़ी पावर होनी ही चाहिए लोगों को कहने। बाकी ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ बोनेट में आपको एक प्रॉपर जो इंसुलेशन पैड है वो भी मिल जाता है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी दे रखी है जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है, इंजन को नीचे की तरफ से काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। तो इस 100 ईयर एडिशन जो एस्टर है इसके बारे में हमने आपको हर एक चीज़ अच्छे से बता दी, मतलब बेसिकली ये नॉर्मल एस्टर ही है, बस इस 100 ईयर एडिशन में आपको थोड़ा कलर डिफरेंट मिलता है, दिखने में गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ड्यूल टोन इफेक्ट के साथ ये आ रही है, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं, रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स ही मिल रहे हैं और इंटीरियर पूरा ब्लैक हो रखा है, लेकिन गाड़ी रियली दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। आपको ये कार कैसी लगी दिखने में, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं आपको ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।